ये हो गई है मेरी टन टनाटन वाली रबड़ी खीर रेडी। ये देखिए इसका कलर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, मैंने इसे बहुत पकाया है और इसका कलर बिल्कुल व्हाइट कलर जो जैसा होता है खीर में अक्सर लोग बनाते हैं तो वो व्हाइट कलर की होती है। और इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत, मैंने आपके सामने कोई कलर नहीं ऐड किया, ये सिर्फ पका पका के इसको इतना बनाया है कि ये कैरेमल की तरीके से हो गई है और बिल्कुल रबड़ी जैसा टेस्ट दे। आप जब खाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई हम कोई कैरेमल खीर खा रहे हैं या रबड़ी खीर खा रहे हैं। ये अपने मेहमानों के लिए दावत में भी बना सकते हैं आप। बहुत अच्छा लुक देखिए, कितनी खूबसूरत आई है खीर की। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी खीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक मज़ेदार सी खीर और बहुत ही जल्दी और अच्छी खीर बनेगी ये मज़ेदार। उसके लिए मैंने लिए हैं, कोई ख़ास इन्ग्रीडियंट्स नहीं है, ये पिस्ते लिए हैं गार्निश के लिए, ये बादाम लिए गार्निश के लिए, ये बारीक काट के लिए बादाम गार्निश के लिए, किशमिश अंदर जाएगी और पिसा हुआ खोपरा। चावल लिए मैंने 200 ग्राम और चीनी लिए मैंने 2 कप और 3 किलो दूध है। तो हम बनाने लगे हैं, चले चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये दूध मैंने रख दिया है बॉईल करने के लिए और चावलों को मैं थोड़ा सा हल्का सा बारीक सा ग्राइंड करूँगी ताकि वो इसमें जब हम डालेंगे चावल तो वो उस वक्त मैं आपको दिखाऊँगी, लेकिन मैं थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी चावलों को, मैंने भीगे हुए। ये दूध हो गया बॉयल्ड हमारा, देखें कितना अच्छा सा। मैंने ये चावल जो है ग्राइंड कर लिए हैं, हल्का सा बस थोड़ा सा दूध डाल के मैंने इनको हल्का सा ग्राइंड किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया, नहीं तो ये फिरने की शक्ल ले लेगा अगर मैं बहुत ज़्यादा कर देती हूँ। तो बहुत लाइट से करना है, हमने एक चक्कर घुमाना है बस। और ये चावल डाल के अब ये इसको बहुत अच्छे से हमने चमचा चलाना है इसमें और अब चलाते रहना चमचा ताकि चावल नीचे ना लग जाए। ये खीर हमारी देखें कितनी अच्छी से पक रही है, अभी देखें चावल बहुत अच्छे गल गए। अब इसको हम चमचे से जोर जोर से यहाँ इसको इस तरह मसलते रहेंगे ताकि चावल भी साथ साथ घुलते रहे। खीर हमारी हो गई है काफ़ी गाढ़ी, अब इसमें हम ऐड कर देंगे चीनी। चीनी मैंने ली थी 2 कप और ये इसके लिए बहुत काफ़ी है। ये चीनी इसमें ऐड कर दूँगी, इसको अच्छे से चलाते रहूँगी। बहुत अच्छे से चलाना है ताकि चीनी अपना पानी छोड़ती है। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ किशमिश और पिसा हुआ खोपरा, मैं साबुत खोपरा नहीं डाल रही हूँ, बच्चे साइड में निकाल देते हैं। पिसा हुआ खोपरा है इसमें अच्छा लुक देता है और बहुत अच्छा टेस्ट देता है। थोड़ा सा ये मैं इसमें ऐड करूँगी कटे हुए बादाम, थोड़े से पिस्ते। बस ये खीर हो गई हमारी रेडी, हम इसको करेंगे डिश आउट। तो मैं आपको ये हो गई है मेरी टन टनाटन वाली रबड़ी खीर रेडी। ये देखिए इसका कलर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैंने इसे बहुत पकाया है और इसका कलर बिल्कुल वाइट कलर जो जैसा होता है खीर में अक्सर लोग बनाते हैं तो वो वाइट कलर की होती है। और इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत, मैंने आपके सामने कोई कलर नहीं ऐड किया, ये सिर्फ पका पका के इसको इतना बनाया कि ये कैरेमल की तरीके से हो गई है और बिल्कुल रबड़ी जैसा टेस्ट दे रही है कैरेमल और रबड़ी का। तो बहुत ईजी है, आपने देखी होगी वीडियो आप, तो बहुत बहुत अच्छी बहुत आसान रेसिपी और बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल आप जब खाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई हम कोई कैरेमल खीर खा रहे हैं या रबड़ी खीर खा रहे हैं। ये अपने मेहमानों के लिए दावत में भी बना सकते हैं आप। बहुत अच्छा लुक देखिए, कितनी खूबसूरत आई है खीर की। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी खीर और इंशाल्लाह ताला जब आप लोग बनाएंगे तो आपकी खीर भी इतनी ही प्यारी और इतनी खूबसूरत लगेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये आपकी मोहब्बत होती है, आपका प्यार होता है और इसीलिए हम इतनी मेहनत करते हैं कि आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। बहुत शुक्रिया अपना।